इधर आया थोड़ा देर में अगर फ्लाइट आ रहा है विद्यार्थियों की समस्या को लेकर हमने आंदोलन कराया। सबसे पहले मैं आपको समस्या बता देता हूँ, उन समस्या को लेकर हमने क्या क्या किया वो बता देता हूँ। जैसे क्या सभी आज विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में करते हैं, उनका मांग है कि हमारे पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से हो और उसके साथ साथ हमें एनी फाइल दिया जाए, क्योंकि हमारा सिलेबस दो यूनिट ही हो पाए और वो भी ऑनलाइन हुआ है। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम सब ग्रामों के विद्यार्थी हैं, हमारा सिलेबस कह सकते बिल्कुल भी नहीं हुआ है ढंग से, तो हम किस आधार पे पेपर दें। हमारे से फीस फुल ली जाती है, हमारे से ऑफलाइन फीस ली गई है, सारा कुछ करा गया और उसके बावजूद फिर हमारे से इस तरह का प्रक्रिया यूनिवर्सिटी क्यों अपना रही है। अभी पीछे 25 तारीख को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की तरफ से डिस्टेंस के पेपरों की डेट निकाल दी गई है। वो सरकार की गाइडलाइन थी कोरोना जैसी महामारी के कारण, वैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी भी 5 जुलाई तक कर दिया है और फिर 5 जुलाई का फिर इन्होंने डेट शीट और निकाल दिया है। तो यूनिवर्सिटी ये किस आधार पर डेट शीट निकाल रही है, हमें बार बार क्यों उकसा रही है। हम सब खेतों खेती बाड़ी वाले लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, काम करते हैं घरों में अपने, और बार बार वाइस चांसलर ऐसे ऐसे लेटर निकाल दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए आप एक डिसीजन लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर लीजिएगा, एनी फाइव ऑप्शन लीजिएगा। और जब भी आप पेपर लो ऑफलाइन, तो हमारा जिस तरह कोविड का टीकाकरण चल रहा है वो टीका करवाइएगा, और जिस तरह पूरे हरियाणा की बात करें तो 15% ही टीका हुआ है, कुल मिला कह सकते हैं हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह जैसे जिला की बात करें तो दिल्ली के 15-20 केस आपको डेली कोरोना के मिल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे वाइस चांसलर ये पेपर लेंगे, तो उनको ये सोचना चाहिए। और ऐसी समस्या में ना तो बच्चे मतलब अपने कॉन्फिडेंस में पेपर दे पाएंगे, और क्या है ना हर बार बच्चों के जैसे ये निकालते हैं, स्टूडेंट्स का पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है। और यहाँ पे राजनीति अच्छा बना हुआ है, यहाँ ऐसी ऐसी मूर्तियाँ, मैं साहू देवीलाल जी को नमन करता हूँ ऐसी मूर्तियों पे, इन्होंने जो राजनीति फुहारा बढ़ा के बीते दिनों हमने देखा भी है, किस तरह यहाँ एक राजनीति का काम किया जा रहा है वाइस चांसलर के द्वारा। इन लोगों को बुला के, राजनीति लोगों को बुला के, जो कोई डिस्टेंस नहीं था ना उन्होंने प्रक्रिया बनाई, फिर भी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ऐसा काम चल रहा है। तो इसी तरह हम इसी से मांग करते हैं जल्दी हमारी समस्या का समाधान किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पूरे शिक्षा में आंदोलन करेंगे, और इसको लेकर हमने पहले भी इसी समस्या को लेकर हमने शिक्षा में 14 तारीख को हमने कंट्रोलर को ज्ञापन दिया था, 15 तारीख को हमने वाइस चांसलर को ज्ञापन दिया था, 16 तारीख को हमने सांसद महोदय के नाम से उनको ज्ञापन दिया था, और 18 तारीख को हमने शिक्षा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ज्ञापन दिया, और दुष्यंत चौटाला ने हमें आश्वासन देखते हुए कहा था कि जल्द वाइस चांसलर से बात करके आपका समाधान करवा दिया जाएगा। लेकिन आज 10 दिन हो गए ऐसे हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो हमारे से वादे करके झूठे उस दिन चले, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अब हमें बच्चों को बताया जाए हम किस रास्ते जाएँ, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, ऑनलाइन